देखते ही मुंह में पानी आ जाए और दिल ललचा जाए इसे खाने के लिए। ऐसी अलग सी जबरदस्त टेस्टी सूखी भिंडी की सब्जी बनाएंगे। बनाते हैं भिंडी का कुचला। तो ये सूखी चटपटी भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ एक पाव भिंडी। इसे धोकर मैंने अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब इसे हम लंबाई में काटेंगे इस तरह से और इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से सारी भिंडी काटकर रेडी कर लेते हैं। अब एक लोहे का तवा ले लिया है मैंने, आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन भी ले सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हमें डालना है 12 से 15 लहसुन की कलियां, 4 से 5 हरी मिर्च ली है मैंने कम तीखी वाली दो टुकड़ों में काटकर। बिना तेल डाले मिर्च और लहसुन को हमें सेकना है। इस तरह से चम्मच से दबाते हुए हम इसे एक तरफ सेक लेंगे, फिर पलट के इसे दूसरी तरफ से भी हमें अच्छी तरह से सेक लेना है। अच्छा सा मिर्च और लहसुन पे गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए सेक लेते हैं। अब मिर्च और प्याज को निकाल लेते हैं और हमें इसे दरदरा सा कूट लेना है। हल्के हल्के हाथों से इसे मोटा मोटा कूट लेते हैं। अब इसे गर्म तवे के ऊपर हमें डाल लेना है 1/4 कप मूंगफली। मीडियम फ्लेम पर मूंगफली को हमें सेक लेना है। मूंगफली अच्छी तरह से सिक जाए, इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, इसके बाद इसे निकाल लेते हैं। इसका छिलका निकाल कर इसे डाल देंगे यहाँ पर। मूंगफली को भी हम दरदरा सा कुचल लेते हैं। अब थोड़े से बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते इसमें डालते हैं। एक बार और कुचल लेते हैं इसे और ये मसाला हमारा रेडी है भिंडी में डालने के लिए। अब भिंडी का कुचला बनाने के लिए हम कढ़ाई में लेते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और फिर इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरे को चटक जाने देते हैं अच्छी तरह से, फिर इसमें डाल देंगे थोड़े से करी पत्ता। एक बड़ी साइज की प्याज है, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे डालकर तेल में हमें पका लेना है। प्याज को बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, हल्की से ये सॉफ्ट हो जाए गुलाबी कलर की, बस इस टाइम पर हम डाल लेते हैं भिंडी जिसे हमने काट कर रेडी रखा था। भिंडी के साथ ही डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी। फ्लेम को मीडियम रखना है और भिंडी को चलाते हुए हमें पका लेना है। हल्के हल्के हाथों से भिंडी को चलाते हुए हमें पका लेना है। भिंडी पतले पीसेस में कटी हुई है तो ये पककर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो बिना ढके इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। अब जो लहसुन मिर्च और मूंगफली के साथ हमने कुचला बनाया हुआ है ये सारा इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर मिक्स कर लेते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिए। अब तीखेपन के लिए इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इस तरह से हम भिंडी को कुचल लेंगे। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी इस भिंडी को कुचल सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से भिंडी को मीडियम फ्लेम पर सारे मसालों के साथ कुचलने के बाद हमें इसमें डाल देना है मुट्ठी भर कर बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ लेंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब फ्लेम को बंद कर देंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार भिंडी का कुचला या फिर ड्राई भिंडी मसाला बनकर रेडी है। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनती है। रोटी, पराठा, दाल चावल या खिचड़ी के साथ ये चटपटी भिंडी कुचला की रेसिपी को आप सर्व कर लीजिए।